देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। सिंधिया ने कहा है कि देश में जब बार बार चुनाव होते हैं तो सबको भुगतना पड़ता है। जब बार बार चुनाव होते हैं तो प्रशासन के साथ साथ पुलिस को पूरे देश भर में तैनात करना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी होती है। सिंधिया ने आगे कहा, इस निर्णय को लेकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जैसे महिलाओं के आरक्षण का बिल पास हुआ था, उसके बाद वन नेशन और वन इलेक्शन का निर्णय भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अब देश में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ और 100 दिन के अंदर सारे चुनाव एक साथ किए जाएंगे। बार बार चुनावों की वजह से जो देश में विकास अवरुद्ध होता है वह नहीं होगा और हमारा देश निरंतर विकास करेगा। इसके अलावा सिंधिया ने कहा, इसके विरोध में बोलने का न किसी को अधिकार है और न ही कोई विचार है। जो इसके विरोध में बोलेगा वह देश का हित नहीं चाहता और न ही देश का विकास चाहता है, वो केवल अपनी कुर्सी चाहता है। जो इसका विरोध करेगा वह देश के हित के बारे में नहीं सोचता। इसमें सब आमंत्रित है। अगर आपको लगे कि आप जीतने वाले हो तो अपनी किस्मत आजमाओ। इसलिए इस अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाना होगा कि किस तरीके से जनहित का मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन राशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक चुनाव, और आप लोग स्वयं भुगतते हो, देश की जनता भुगतती है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाहे प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, कितना समय व्यर्थ जाता है। पुलिस को बार बार चुनाव के समय में तैनात करना पड़ता है पूरे देश में। ये निर्णय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जैसे महिलाओं का आरक्षण का बिल पारित हुआ था संसद में, ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये कदम भी लिखा जाएगा, जहां सारे निकायों के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा एक साथ और 100 दिन के अंदर सारे निकाय के चुनाव एक साथ होंगे, और जो गति अवरोधक पड़ती है विकास के लिए, प्रगति के लिए, उस गति अवरोधक की भी समापन प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक कदम से होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए, क्योंकि सबका चुनाव एक साथ। अगर आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हो तो आप अपना किस्मत आजमाओ। सबको आमंत्रित किया जाता है, तो किसी को इसके विरोध बोलने का मैं समझता हूं कि ना कोई अधिकार है और ना कोई विचार है। जो भी इसके विरोध बोलेगा वो देश हित नहीं चाहता, देश विकास नहीं चाहता, वो केवल अपना कुर्सी चाहता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।